हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राजित स्वर्ण। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने लगाया पीला सिंदूर क्योंकि आज है सैटरडे और इसी बीच अब तो ऐसा लग रहा है यार, कुछ भी बोलो तो मीनिंग ही अलग लेके चले जा रहे हैं। तो कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे और डेफिनेटली होली के रिलेटेड भी आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था और बहुत सारी सलाह थी। तो सलाह कुछ तो कमेंट ऐसा था कि कभी तो अपने ससुराल में होली मना लो, कभी तो अपना होम टूर दिखा दो। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि होम टूर वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है और बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं अपने ससुराल कभी गई नहीं हूँ, मेरा पैर टिकता ही नहीं है, कभी गई नहीं हूँ। तो ससुराल में जाती हूँ, ससुराल के व्लॉग्स बस जाने तक डालती हूँ, आने के बाद डालती हूँ, वहाँ के नहीं डालती हूँ। इसलिए बिकॉज मेरे फैमिली में सब लोग कैमरा में कंफर्टेबल नहीं होते हैं और डेफिनेटली जो भी चीज़ें हैं, काम धाम बात विचार सब ऐसे होते हैं कि कैमरे में हम कर ही नहीं सकते। और जो काम धाम होता है तो मेरे साथ यहाँ भी ऐसा होता है कि जब मैं काम करूँ ना तो कैमरे का ध्यान भी नहीं होता कि कैमरे लगाना है। और रही बात ससुराल, आज तक कभी होली में नहीं रही हूँ मैं, तो बहुत दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि ये वो लोग कमेंट कर रहे हैं जो मेरा व्लॉग देखते नहीं है। क्योंकि 6 साल हो गए मेरी शादी को और हर साल होली मैंने अपने ससुराल में मनाया, एक बार भी मायके नहीं मनाया। और आप लोगों का बहुत सारा कमेंट है इस बार होली पे मायके नहीं ससुराल जाओ आप, मायके बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे मायके जाना तो आप अपनी फैमिली को इकट्ठे कर लेना। और बहुत सारे लोगों का ये था कि यार तुम मायके क्यों जा रही हो, तुम ससुराल जाओ। तो मतलब बहुत सारे लोग तो ये चाहते हैं कि मेरा मायका छूट जाए, जो कि आपके सिर्फ सपने तक सीमित है, वो रियलिटी में कभी होगा नहीं जब तक मेरे माँ बाप सब लोग हैं। और भाई छूटता नहीं है कभी ये सब चीज़, तो रिलेशन मरते दम तक रहता है, भले आप मानो ना मानो, जो चीज़ें हैं वो हैं रहेंगी। और मतलब बिना जाने बिना सोचे आप लोग बोल देते हो कि कभी तो अपने ससुराल में मना लो, तो मैं हर साल अपने ससुराल में ही मनाई हूँ अपना होली। लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट मतलब 6 साल हो गए, हर साल मैंने होली वहीं पे मनाया, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ पूजा वगैरह चढ़ता है और व्लॉग लाइव है यार, व्लॉग में मैंने खुद पूजा भी चढ़ाया है। तो वो सब जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो सब चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, ऐसा नहीं कि वहाँ का मैं कोई भी वीडियो नहीं शेयर होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ रही नहीं हूँ, हर साल मैं वहीं पर रही हूँ। और इस बार का होली क्या होगा कैसे होगा ये आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को डाउट था। अभी मेरे को एक्चुअली शूट भी करना है क्योंकि कुछ प्रमोशनल वीडियोज़ मेरे को शूट करना है, तो अभी रेडी होंगी, लेकिन मैंने सोचा चलो आप लोग से बात कर लेती हूँ। और अभी मैंने व्लॉग लाइव किया था, एक्चुअली कल ही शूट वूट कर लिया था, लेकिन क्योंकि मेरा एक प्रमोशनल वीडियो लाइव गया था तो मैं नहीं पोस्ट कर पाई थी कल, तो आज सोचा चलो कर देती हूँ तो सुबह सुबह इसीलिए। अदरवाइज़ जनरली सुबह में मेरा व्लॉग नहीं आ पाता बिकॉज काम धाम इतने रहते हैं कि नहीं हो पाता है। और अब ऐसा लग रहा है ना कि मैं बहुत बार सच बोलो या फिर जो भी चीज़ों को फील करती हूँ वो बोल देती हूँ, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये बहुत बोलती है। तो अब बस सोच रही हूँ काम से रिलेटेड बात होगा। एंड मोर ओवर व्लॉग जब शेयर किया था तो उसमें पायल दिखाया था मैंने कि प्रिंस ने मुझे ये पायल दिया है या फिर मम्मी ने ये पायल दिया है या मेरे ससुराल का ये पायल है या ये पायल मैंने खुद खरीदा है, ये रंजना ने दिया। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना, मतलब कि प्रिंस का बड़ाई कर रही है, प्रिंस ने नहीं दिया है, मम्मी ने दिया होगा। तो जो मम्मी ने दिया है वो तो मैंने बोला ही है कि मम्मी ने दिया, और जो प्रिंस ने दिया है वो आप लोग बोल रहे हैं प्रिंस ने नहीं दिया होगा, जो खुद का कपड़ा नहीं खरीदता है वो कैसे आपको दे सकता है। तो ऐसा ही है, प्रिंस की जब पहली भी यूट्यूब की इनकम आई थी ना तो वो हम सबको यानी जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे भाई मेरी भाभी सबको उसने अपने अकाउंट से कुछ 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 किया था। तो वो करता है वो चीज़, अब मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हाँ मैं उसका बता रही हूँ, भैया भी मेरे लिए करते। और मैंने जब व्लॉग शेयर किया था कि भाभी मेरे को देती हैं, मैं भाभी को देती हूँ, तो आप लोग बोले कि भैया ने मेरी बेटी को गोल्ड का चेन दिया था और लड्डू को चांदी का कड़ा दिया था और एक लॉकेट दिया था,
तब तुम नहीं बोली। तो ये मैंने 10 बार से ऊपर अपने व्लॉग में बोला है। एंड मेरी बेटी बेटा को वो क्या करते हैं, वो उसमें उनका भी प्यार रहता है कि ऑब्वियसली वो उतना मानते हैं एंड देते हैं। ये चीज़ तो मैंने व्लॉग में बोला ही है, आप बोल ही नहीं सकते कि मैंने नहीं बोला है। हाँ, उस व्लॉग में मैंने अपने रिलेटेड बात किया कि मुझे ये देते हैं। एंड डेफिनेटली जब भी मैं ताना नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ देना लेना रहेगा। जैसे वो मुझे दे रहे हैं, डेफिनेटली हम लोग भी उनको देंगे। जो भी इंसान देता है तो वो रिटर्न करना चाहिए, ये नहीं होता है कि बस आप ले के रख लो। नहीं, जो मुझे देता है, और ख़ास कर कैसे होता है ना कि जो आपको जैसा दे उससे आपको थोड़ा बेटर देना होता है। एंड मेरे लॉकेट के रिलेटेड भी आया था कि इतना छोटू सा तो लॉकेट दी थी। तो गाइस, इतना छोटू सा लॉकेट में ना अच्छा खासा एक ईयर रिंग, या फिर यूँ बोलूँ तो हमारे साइड में ना उतने में तो बहुत अच्छा खासा सामान आ जाता है। और कितना छोटू सा दी थी, कितना महंगा दी थी, सस्ता दी थी, ये बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मनीषा भाभी वहाँ पे खुद थी मेरी। तो उन्होंने बोला भी कि पूजा दी आप इतना महंगा मत लीजिए, बट ठीक है, वो आगे भी मैं दूंगी, आगे भी मैं लूंगी, मेरा हक है, उनका हक है। हक क्या, मेरा प्यार है, मेरा देना चाहिए मुझे। मेरी फैमिली की तरफ से जाता है, क्योंकि मेरी तरफ से नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि मैं अपने में डील कर रही हूँ, जैसे बड़े बोलते हैं उस अकॉर्डिंगली चलना होता है और करना भी होता है। तो मैं वो दूंगी, और जो मुझे मिलता है वो भी मैं घर पे बता देती हूँ। व्लॉग में तो शेयर करती हूँ, ऐसे ही पता चलता है। और जो चीज़ें भी, जैसे शादी वादी में जो चीज़ें भी मिली, वो चीज़ घर पे बताते हैं हम लोग, तो वो होता है। तो अभी आप लोग इसमें इतना वो मत करो यार कि हर चीज़ को ही नेगेटिव वे में लेके चले जाओ। होली का क्या कैसे अपडेट होगा वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल आज मुझे लगानी है मेहंदी, क्योंकि मेरे घर पे है कल पूजा, और कल है मेरी छुटकी का, प्रिंसेस का हैप्पी वाला बर्थडे, जो कि 9 मंथ हो जाएगा। एंड कल हम लोग करेंगे एक छोटू सा पार्टी भी, तो बहुत एक्साइटेड हैं। अभी एक्चुअली डेकोरेशन वाले को बुक कर दिया है, और खाना पीना के लिए भी बात हो चुकी है, क्योंकि खुद नहीं बनाएंगे, पूजा करते करते टाइम हो जाएगा। और जो गेस्ट हैं उनको अब टाइम अपडेट करना है कि कितने बजे का क्या है सीन। ड्रेस मैंने ले लिया है, वो व्लॉग मैंने लाइव ही नहीं किया, ड्रेस लेने गई थी, बट वो आपके साथ शेयर करूँगी ड्रेस कल, क्योंकि कल तो पहनना ही है। तो कल पूजा के लिए भी क्या पहनूँगी वो भी डिसाइड करना है, बिकॉज वो अभी फिक्स नहीं किया है कि क्या पहनूँगी मैं पूजा में। तो देखते हैं, चुन्नी तो लेंगे ही लाल, लेकिन अभी भैया भाभी को बता दिया है कि इतने बजे से पूजा है, दोबारा फ़ोन करके बताएंगे। और जितने भी गेस्ट हैं उन सब लोग को इनवाइट करेंगे। मम्मी और से भी बात हुई थी, तो मम्मी थोड़ा सा एक्चुअली कुछ बिजी थी, तो उतना ज़्यादा बात बात हो नहीं पाया, लेकिन मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे पूजा वगैरह रखा है। और मैं बोली कि, मम्मी बोली कि अभी रखती, वन ईयर पे रखती। तो मैं बोली नहीं मम्मी, मेरे को ऐसे मन से आया तो मैंने वो रख लिया। पता नहीं व्लॉग तो उतना नहीं शूट हो पाएगा, लेकिन हाँ जितना भी हो पाएगा कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करूँ। मेरा आईब्रोज दिख नहीं रहा है, क्योंकि आज मैंने फिलअप नहीं किया है, सैटरडे था, तो बिना नहाए धोए नहीं खाना होता है। तो नहा के पीला सिंदूर लगाई हूँ, और अब खाना पीना खा ली हूँ। खाना में बनाया था आलू का पराठा। बस इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी यार, कि आप लोग जब तक चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन जब चीज़ों को लाइव किया हुआ है, व्लॉग लाइव है कि मैं ससुराल कब जाती हूँ, कब नहीं जाती हूँ, कब क्या है क्या नहीं है, तो आप लोगों को वो शायद दिखता ही नहीं है। आना जाना रहेगा, और ससुराल मायका जो भी है, जहाँ भी रहें हम लोग, आप लोग को बस इतना होना चाहिए कि जो जहाँ है वो खुश रहे। और मनीषा भाभी के रिलेटेड आता है कि मैं उनको नहीं जाने देती हूँ, तो मैं होती कौन हूँ उनको रोकने और जाने वाली हूँ। उनका जो मन करेगा, उनकी फैमिली का मैटर है, उनको जो मन करेगा वो करेगा। और मेरे सामने तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने भी रोका हो कि नहीं मत जाओ। और मैं खुद बोलती हूँ मनीषा भाभी को कि आप जाइए, घूम के आना चाहिए, ऑब्वियसली आपको मन नहीं कर रहा जाने का, मैं खुद पूछती हूँ। और मेरी और उनकी बात तो मैं करना ही नहीं चाहती, क्योंकि मेरी बॉन्डिंग, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के बीच में ड्रैग हो रही है। एंड मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैम मेरे को तो बहुत, मतलब सब ठीक है भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, सब कुछ नॉर्मल है। बस आप लोग भी चीज़ों को नॉर्मल रहने दीजिए, मॉस्किटो उड़ रहा है। और होली में क्या होगा, आप लोग कमेंट कर रहे हैं यहाँ रहिए वहाँ रहिए, तो देखते हैं कि कहाँ रहेंगे, क्योंकि बैंगलोर भी रहना ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं, मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं 80-90% की मैं बैंगलोर ही रहूँगी,
उस 10% में जो चांस है वो इधर उधर का है, क्योंकि बैंगलोर में नया घर है, दिवाली मना लिया है, तो होली वगैरह भी, हालांकि अकेले में अच्छा नहीं लगता, फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है गांव पे नौतन, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। हम लोग तो दुल्हन की तरह होते हैं कि मतलब नई नवेली है, अब तो 6 साल हो गया फिर भी स्टिल, और बच्चे भी खेलते हैं, पूजा पाठ भी चलता है, तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, थोड़ा बहुत क्या, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए होली दिवाली छठ इन सब में तो हम लोग घर ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग उतना दिन रुक नहीं सकते भाई घर से दूर। लेकिन इस बार अभी लड्डू के एग्ज़ाम्स के वो देखते हुए उसका अभी एग्ज़ाम का शेड्यूल आया है, तो जो जैसा होगा उस अकॉर्डिंगली प्लान आपके साथ शेयर करेंगे। बस बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।